उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे माला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे माला घर मकुट तेरो हूँ झलको, घर मकुट तेरो हूँ झलको, झलकी काले गंगे की धारा, मेरे माला झलकी काले गंगे। दोस्तों हम जा रहे हैं अब अपनी अगली कहानी की ओर, जो कि जड़ी बूटियों पे हम करने वाले हैं। हम हिमालयन हर्ब्स पे एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कौन कौन सी हर्ब्स जो है हिमालय में नेचुरली ग्रो होती है। और फिर जब हमने उसको पहचाना तो फार्मर्स ने फिर उसकी खेती शुरू करी। इससे ना सिर्फ स्वरोजगार आया ग्रामीण एरिया में, बल्कि मार्केट में भी बिल्कुल प्योर नेचुरल जो हर्ब्स आई वो मिली। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है, ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। अभी हम नीचे को आ रहे हैं रोड की तरफ, फिर वहाँ से हम जुन्नी की तरफ जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत कम सामान मैंने कैरी किया है, क्योंकि यहाँ तो अभी ढलान है, फिर आगे ट्रैकिंग के लिए काफ़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं अपने आप को पहाड़ी मानता हूँ, पर फिर भी जितना वज़न कम हो एनर्जी बचती है। ये आपको अगर वो दिख रहा है नेचुरल चक्की है, पानी के भाव से आटा पीसने की, गेहूं पीसने की पुरानी बहुत चक्की है। अच्छा जी, कहाँ दिखते हैं ऐसे? अच्छा अच्छा, अभी जो है पाद दाम होने वाला है। अच्छा, पदरी के दारा का द्वार छाना, पदरी के दारा का द्वार छाना, वो छन कन खले हर द्वारा, मेरे माला छन कन खले हर द्वारा। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता था मैं पहाड़ियों में थकता नहीं हूँ, पर आज तो कसम से थक गया हूँ। रास्ता भी बहुत चल रही है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। वो जितना नीचे आपको दिख रहा है लगभग वहीं से आया हम खड़ी चढ़ाई। रास्ता तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊँगा, बिल्कुल पत्थरों के रास्ते आए हैं। और अभी आधा पौना घंटा और है, रुका नहीं हूँ मैं, नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। पहाड़ी होने का थोड़ा सा फ़ायदा, मेरे जो साथ आए हैं काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं, उनका डेली का आना जाना हुआ है। और वहाँ रुके थे हम नीचे, जो गांव दिख रहा है वहाँ पे पानी पिया था, थोड़ा सा बैठे थे, उसके अलावा नॉन स्टॉप ही चल रहे। कल जो हम रुके थे वो नीचे जो गांव है जो सुप्पी, वहाँ रुके थे। शुक्र है मैं ज़्यादा वज़न नहीं लेके आया, मैंने ज़्यादातर सामान अपने होम स्टे पे छोड़ दिया है, वरना तो मैं यहाँ से कितना ही बड़ा पहाड़ी हूँ नहीं चल पाता। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा आसमान की ऊंचाइयों पर। तो चलिए आगे अपडेट करता रहूँगा। पहाड़ी घर, पहाड़ी घर, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे माला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे माला। गांव कितनी दूर है आपका? अच्छा वहां से आए हो? अच्छा, और कितना इकट्ठा करके एक ही बारी में ले जाओगे सारा? यहाँ फिसलने का भी डर होता है? अच्छा, चोट वोट भी लगती होगी? हाँ, अब किसी के तो मरी जाते हैं। अच्छा जी,
गाय भैंस के लिए इकट्ठा कर रहे हो गे? अच्छा आप हमारे लिए ककड़ी ला रहे हो? पहाड़ी ककड़ी, पहाड़ी नमक, मजा आ जाएगा। चलिए तो बोला है। बहुत बढ़िया। तो दाजू आप लोग यहाँ से घास काट के ले जाते हो अपनी गाय बछड़ी के लिए? हाँ हाँ। ये नमक। गाँव कितना आपका घर कितनी दूर है? यही है तो ये ऊपर वाला मकान ये ये से भी है। ये है यही गाँव है, छोटा गाँव। ये है पहाड़ी ककड़ी, सामने सरयू नदी है, आपको दिखाता हूँ। ये सरयू नदी है, इसका स्रोत है पहाड़ों से। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। वो सामने सुप्पी है ना? हाँ। तारा जी का घर कौन सा हुआ? दो तीन तो पड़े हैं ये सामने। अच्छा स्कूल है। हाँ वहाँ से आए हमें लगभग एक डेढ़ घंटा हो गया चलते हुए। 9 बजे निकले थे। नमस्ते बच्चे, कैसे हो? बाय। पार्वती जी को मेरो मैत ये छो, वो ये छो शिव। क्या नाम है तेरा? जय करो मुझे। जय जय। उत्तराखंड मेरी। ओए दो चुटिया वाली, तेरा नाम क्या है? मातृभूमि सोनम। नमस्ते, कर क्या रहा है तू? क्या कर रहा है तू? बर्तन धो रहा है? हैं? ऐसे धोते हैं बर्तन? नहीं। फिर? सब कुछ खाता है वो, कीचड़ भी खाता है ये। सब कीचड़ भी खाता था तू? इसका पाचन होता है। इसका पाचन होता है। गाय खाने वाला दवा भी खाता है। सब गाय की दवा भी खाता है। मूसा भी खाता है। और क्या खाता है तू? वो मछली भी खाता है। मछली तो सब खा लेते हैं। मछली गजर वो भी खा लेता है। खाना नहीं खाता बस। खाना नहीं खाता ना? चप्पल भी खाता है। वो चप्पल भी खा जाता है। और बर्तन धोने वाला साबुन भी खाता है। वो बर्तन का साबुन भी खा जाता है। कैसे पचा लेते हो भाई इतना? कहाँ से सीख के आयो? है ये पानी भर रहा है फिर गिरा रहा है। ये से कर रहा है पानी, ये पानी वो हाँ। से कर रहा है। जल्दी बर्तन धो जब तक मैं आ रहा हूँ, ठीक है? धो देगा? चलो बाय 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 बाय। दो चुटिया वाली रुई रस्सी रस्सी बनानी। ये क्या चीज है? अच्छा पत्ती उड़े हमारे यहाँ पत्ती उड़ी बोलते ये रिंगाल की बनी हुई है। अच्छा तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आज की डेस्टिनेशन, यहीं पे रोकेंगे। आज का स्टे मेरा यहाँ पे है। बहुत सुंदर इन्होंने हट बनाए हैं, हट हाउस बनाए हैं, होम स्टे पर्पस के लिए हैं। बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है ये, काफ़ी लोग यहाँ पे आके रुकते हैं। मैं अंदर से अभी आपको दिखाता हूँ। साथ ही आप देखिए हमने आज कितना ट्रेवल किया है। हमने शुरू किया था लास्ट में, लगभग आपको दिख रहा होगा जितना आपको दूर दिख रहा है ना, वहाँ से हमने आज शुरू किया था। फिर हम इस रास्ते से होते हुए, रास्ते में बीच बीच में शूटिंग करते हुए आए हैं, और उस रास्ते उस गांव के होते हुए हमने सुबह 9 बजे शुरू किया था और लगभग अब 4 बज चुके हैं। और बाकी का जो हमारा सफ़र है आगे का, अगली जो हमें स्टोरी रिकॉर्ड करनी है वो हम कल सुबह शुरू करेंगे, आज यहीं पे स्टे करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये हट हाउस बने हुए हैं। ये वॉशरूम है यहाँ पे। ये देखिए मेरा भी रूम तैयार हो रहा है। और अंदर से स्पेस देखिए आप, कितना स्पेस है इधर। आपका अपना सामान, विद फैमिली कपल्स आ सकते हैं, हनीमून के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। ये वॉशरूम है और इस तरफ का व्यू देखिए। ये कल जो मुझे जाना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। आज मैं यहाँ पे स्टे करूँगा, कल जो मुझे शूटिंग करनी है वो सामने, अगर आपको गांव दिख रहा होगा कल मैं वहाँ रहूँगा। ये रास्ता है वहाँ जाने का, तो आज के लिए तो काफ़ी अंधेरा हो जाएगा जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगा। इसके बाद क्या क्या होगा अगली वीडियो में बताऊंगा। शूटिंग करेंगे हम लोग, जड़ी बूटी से रिलेटेड है वो भी आप देखिएगा। और आज लगभग हमने
9 बजे से शुरू किया था सुप्पी से, और 4-5 बज गए हैं और हम थक भी गए हैं, अभी आगे जाने की हिम्मत भी नहीं है, और अदरवाइज भी इतना अच्छा हट हाउस छोड़ के कौन जाना चाहेगा। और मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, अगर आप लोग भी इधर हट हाउस में आना चाहते हो तो नंबर आपको मैं शेयर कर दूंगा। आप सबसे अच्छा महीना यहाँ पे आने के लिए है फरवरी जनवरी, नहीं ये सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप आ सकते हो। और बर्फ़ पर कब पड़ जाती है? जनवरी फरवरी में यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, ये मेरे हिसाब से सही टाइम है, मतलब बारिश वारिश का भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप जनवरी में आते हो तो पूरा सामने पूरा जो है इस पहाड़ में बर्फ़ रहता है, वो बहुत अच्छा शानदार और व्यू सुंदर हो जाता है। तो बाकी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा इसके आगे का सफ़र कैसा रहता है। उससे बीज निकल रहे हैं, ये अलग अलग सैंपल क्या रखे? ना ना, अच्छा बीज है।